हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका भाई भी अल्लाह के करम से बिल्कुल खैरियत से है। सीन कुछ ऐसे हैं कि अभी उठे हैं तो मतलब अभी हलनदारी आ गई हुई मुँह और हाथ धोया है अभी। तो आज ये है कि आपकी का कोई इवेंट है थैलेसीमिया पेशेंट का, तो उधर जाना है हमने आपकी को लेके। साथ गाड़ी लेने आएगी हमें, वो तो पिक करने आएगी। आपकी तो गेस्ट बुलाया गया है वहाँ पर, तो उनको लेके जाना है वहाँ पर। और सीन ऐसा है कि मैंने साथ जाना है उनके, तो मैं दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या सीन है उधर, कैसे मतलब इधर होते हैं, क्या क्या सीन रखा हुआ। मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी तक, तो मैं फ़र्स्ट टाइम जाने लगा हूँ वैसे भी ऐसे किसी इवेंट पे जो मैं कभी पहले गया नहीं हूँ। तो मैं अपने काम से काम रखता हूँ, लेकिन आज जाना पड़ रहा है आपके साथ। तो बाकी मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से वहाँ पर क्या क्या होता है। तो अब बस तैयार होते हैं, थोड़ी देर तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद तैयार शर होकर रेडी होकर मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक है, ओके ओके गाइस, आ गई है हमें गाड़ी लेने जाने के लिए। और माइक शाइट लगा लिया, आपके भाई ने तैयार फुल हो गया है, जाने के लिए रेडी हो गया है। तो अब चलते हैं उस गाड़ी के पास, रोड में बैठते हैं और निकलते हैं अपने रास्ते पर जहाँ हमें जाना है इवेंट पर। तो चले मेरे साथ, चलते हैं उधर जाके मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक है, ओके। हम निकल गए हैं उधर जाने के लिए जहाँ पे गाड़ी आ रही है, तो चलते हैं उधर जाके गाड़ी में बैठते हैं अब। तो बाकी उधर जाके मैं आपसे मिलता हूँ फिर वहाँ पहुँच के, जब तक थोड़ा वेट करें आप। तो हम आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी दर्शनी में पहुँच गए हैं, जो कि आफ्नाबाद में है। ये शिष्य हैं जो फिजियोथेरेपी डॉक्टर हैं, इनको गेस्ट रूम में बुलाया गया था, इनके साथ मुझे आना पड़ा साथ। तो अभी ये बताएंगी हमें कि किस तरह का कैंप था और क्या सीन है। ठीक है, तो क्या कहती हैं भैया? आज जी वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे इन्होंने एक इवेंट अरेंज की है थैलेसीमिया के बच्चों के लिए, जो कि उनको कर्ज देते हैं। लाइक वो सारा साल ब्लड लगाते रहते हैं, भगाते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी वैसे इंजॉय नहीं करते हैं जैसे आम बंदा इंजॉय करता है। तो हमारी कोशिश होती है कि थैलेसीमिया के बच्चों के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, कुछ ऐसा चीज़ें अरेंज करें ताकि उनको पता लगे कि हम भी एक आम इंसान की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो चलते हैं, फिर आपको कुछ दिखाते हैं। तो आज हमारे साथ बाकी भाई जैसे पूछते हैं, जो उनके हेड है उनसे भी मिलाऊंगा मैं आपको इन लास्ट में या दरमियान में मिलते हैं आपसे। तो आज हमारे भाई जैसे चेक करते हैं वो हमारा कैसे इंट्रो करते हैं, हमें कैसे वेलकम करते हैं। तो आज वो गेस्ट रूम है जहाँ पे मतलब हमें खड़ा किया गया है, बैठाया गया है कुछ देर के लिए। ठीक है, और बाहर चल रहा है अभी फंक्शन, अभी अपने बाहर जाना है। थक गए हो? जब बाहर जाके मिलता हूँ, जब वो हमारा इंटरव्यू वेलकम करते हैं तो उठे जाके मैं दोबारा ऑन करता हूँ। ठीक है, ऐसा है का एक अलग तरह का प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह
हफ्जाबाद के नौजवानों को ये सआदत हासिल है कि द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान ऐसा एक एंटरटेनमेंट इन बच्चों को करज करने के लिए ये प्रोग्राम का इनकार किया गया है। यहाँ पर तशरीफ लाने वाला हर मेहमान हमारे लिए स्पेशल गेस्ट है। स्पेशली जो हमारे बच्चे अजीम बच्चे फाइटर बच्चे सोल्जर बच्चे, आप बेटा आर्मी ऑफिसर से कम नहीं है। आपकी फाइट एक ऐसी फाइट है कि जिसमें आप इंशाल्लाह बफजल खुदा अल्लाह और उसके रसूल के करम से सुरखरू होंगे। हमारी दुआएं टाइगर फोर्स ऑफ हैदराबाद आपको दिल की थाक रही उसे खुश आमदीद कहते हैं। हमारे भाई मुस्तईन भाई जो है सराउंड के चेयरमैन हैं चीफ हैं उनकी इस अकाबश को हम एडवांस में उनको मुबारकबाद देते हैं। ये बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ही इस चीज का भाई आपको अजर देगा। क्लैपिंग कर दे इनके लिए इनकी टीम के लिए, ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। पंडाल में दाखिल हो रहा है ये दस्ता, क्लैपिंग करके प्लीज इनकी जरूरत करें। नन्हे मुन्ने कमांडो इनको लीड कर रहे हैं। क्लैपिंग कर दे प्लीज इनके लिए, स्पेशली इन छोटे कमांडो के लिए। आइटम स्टार्ट चेंजिंग ऑन थर्ड ऑप्शन 1 2 3। Come forward. Position. Okay. Start. प्यारी बेटी का नाम सुल्फा है जो माशाल्लाह पाकिस्तान की सुल्तान रही है, उनके इन बच्चों का मुकाबला कर रही है। हमारी सुल्तान रही है ये हाफिजाबाद का स्पेशल विंग है
बच्चों के लिए दोनों का इंतजार। बेटियों के लिए ज्यादा ज्यादा क्लैपिंग किया करें, ये बहुत बड़ी बात है। इनके पेरेंट्स के लिए भी करें जो ऐसी चीजें आगे गोलगप्पे गुलगाजगंज वाले ने हो गया टेस्ट सही है। कैसी जगह जो हमने कभी जिंदगी में नहीं देखी यार, आज अल्लाह ताला ने उस जगह पे पहुंचाया। अच्छा फिर देखें फूल है, वादियां, वो देखें पहाड़, मुझे पहाड़ दिखाएं। क्या बात है, ये पहाड़ है। मैं आपको बताता चलूं कि इनका एक चैनल है यूट्यूब पे अपना, ठीक है, इनका भी चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करें, मैं लिंक डाल दूंगा नीचे। इनसे भी मुलाकात हो गई है हमारी यहाँ पे भाई से, भाई के चैनल को यार। और मसला था, मैंने आपसे एक और बात पूछनी थी, आप पेशेंट है ना, तो इस कैंप से आपको क्या फायदा होता है? मतलब कैंप से काफी फायदे होते हैं, जस्ट लाइक अवेयरनेस होती है, ब्लड जो होता है वो मिल जाता है, और उसके अलावा ये होता है कि लोगों को शौर आता है। हाँ। क्योंकि आप मोस्टली अभी वन एंड ऑफ से किसी से भी पूछ रहे हो, किसी को थैलेसीमिया का पता नहीं होता। हाँ, सही है। तो इसमें थैलेसीमिया का पता चलता है कि थैलेसीमिया है, जैसे मैं पेशेंट हूँ तो मेरे लिए ये होता है कि अगर मैं किसी जगह जाता हूँ मुझे ब्लड चाहिए होता है, तो उन लोगों को ऑलरेडी जब पता होता है तो वो हेल्प करते हैं ब्लड के लिए। अदरवाइज काफ़ी लोग सोचते हैं पता नहीं क्यों चाहिए, क्या वजह है, 100 तरह के सवाल होते हैं उनके। फिर तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इनका बड़ा अच्छा इन्होंने एक फेस्टिवल अरेंज किया है। ठीक है आपको चालों को। और दूसरी बार मैं कहना चाहूँगा यार, भाई माशाल्लाह बहुत नाइस है, भाई से भी हमारी आज ही मुलाकात हुई, तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। थैंक यू सर। सर ये आप मजा तनलीन भाई कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। ये मैंने पूछना था आपसे कि इस कैंप का मतलब बच्चों को क्या फ़ायदा होता है, और किस किस्म का मतलब उनका ये होता है कि उनको इस चीज़ से क्या बेनिफिट मिलते हैं? भाईजान जैसा कि आपको पता है कि थैलेसीमिया जो बच्चे होते हैं उनके जिस्म में ब्लड नहीं बनता। हाँ जी। मतलब उनकी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत कम होती है, तो उनके लिए ये एक फंक्शन रखा गया कि इन बच्चों को मतलब कि इनकी ख्वाहिश होती है कि इनको डॉक्टर्स बनाए जाएँ, किसी की ख्वाहिश होती है कि मैं बड़ा होकर फौजी बनूँ, किसी का होता है कि मैं रेस्क्यू वाला बनूँ, किसी की कोई होती है। तो इनकी एक दिन हमने ये इसलिए सिलेक्ट किया कि इनकी वो ख्वाहिशात पूरी की जाए जो इनकी ख्वाहिशात है, और ये जो थैलेसीमिया के बच्चे होते हैं इनके जिस्म में ब्लड नहीं बनता। अच्छा, अच्छा। मेरे और आपके फ़ोन पे ज़िंदगी जी रहे होते हैं, तो इसलिए कि इनके लिए मतलब कि जितना भी हो सके लोग ब्लड डोनेट करें थैलेसीमिया बच्चों के लिए, और इनकी ज़िंदगी आगे चल सके। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों के लिए ब्लड भी डोनेट करें और इन बच्चों को खुश भी रख सकें। शुक्रिया, जजाकल्लाह।